खबर झारखंड से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड में 357 सरकारी नौकरियां 5 अक्टूबर तक करे आवेदन। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अधीन झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी ने 357 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन पदों में स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, रेडियोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑफिसर शामिल है। सोसाइटी द्वारा राज्य विभिन्न जिलों में तैनाती के लिए इन पदों के लिए जारी विज्ञापन के अनुसार सभी रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जानी है, जिसकी अवधि 1 वर्ष होगी, लेकिन संतोषजनक प्रदर्शन के बाद अवधि बढ़ाई जा सकती है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार विज्ञापन के साथ ही दिए गए एप्लीकेशन प्रारूप के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2020 तक है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोले, स्कूल खोलने के मामले में केंद्र ने राज्य पर थोपने का किया काम। केंद्र के गाइडलाइन के अनुसार जिन राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं वहां की स्थिति का अध्ययन करने के बाद ही झारखंड में स्कूल खोलेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि स्कूल खोलने वाले राज्यों की स्थिति और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वहां किए जा रहे उपायों का अध्ययन करने के बाद ही राज्य में स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। उनके अनुसार ऐसे राज्यों से जानकारियां मंगाई जा रही है। कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूलों को खोलने की लेकर केंद्र गाइडलाइन पर मंत्री ने कहा कि केंद्र ने गाइडलाइन जारी नहीं की है, राज्यों पर थोपने का काम किया है। बता दें कि केंद्र ने 21 सितंबर के कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूलों को बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए खोलने की अनुमति दी है। इसके तहत इन कक्षाओं के विद्यार्थियों अपने अभिभावक से अनुमति लेकर स्कूल आकर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड के युवा लगाएंगे साइबर ठगों पर लगाम, 20,000 ने कराया पंजीयन। साइबर ठगी के लिए पूरे देश में बदनाम झारखंड के युवाओं को अब साइबर ठगी से बचने का प्रशिक्षण मिलेगा। इसकी पहल उपराजधानी दुमका से हुई है। हाल के वर्षों में इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ गई है, इससे कार्यों को पूरा करने में सहूलियत हो रही है, लेकिन डाटा की सुरक्षा का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। हैकिंग, डाटा लीक, साइबर ठगी के रूप में इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार के आईटी डिपार्टमेंट से जुड़े प्रज्ञा केंद्रों के जरिए साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं और स्कूली बच्चों में शैक्षणिक कौशल के विकास के साथ साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक लाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। कृषि विभाग पर है अब हेमंत सरकार का फोकस, किसानों का 2,000 करोड़ का कर्ज करेंगे माफ। झारखंड में हेमंत सरकार का फोकस अब मुख्य रूप से कृषि विभाग पर है। मुख्यमंत्री ने कहा, जो भी लोग कृषि पर निर्भर हैं उन सभी किसान को कैसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए राज्य सरकार कृषि योजना बना रही है। राज्य सरकार का मानना है कि झारखंड में अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। किसान को राज्य सरकार ने पुरजोर तरीके से फोकस किया है। कृषि से जुड़ी सभी योजनाओं अंतिम चरण पर है। झारखंड के कृषि मंत्री ने साथ ही बताया कि किसान का 2000 करोड़ की ऋण माफी इसी वित्त वर्ष में राज्य सरकार करेगी। कृषि मंत्री की माने तो कृषि क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होगी। आने वाले दिन में झारखंड के किसान को खुशी का भरोसा दिलाया है। वहीं केंद्र सरकार की कृषि नीति पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आनंद फानन में केंद्र ने जिस तरह से किसान विरोधी को पास कराया है, लगता है जन मुद्दों से हटकर किसी घराने के हित में सरकार काम कर रही है। जस्टिस मिश्रा ने कहा, देश की पहली इंश्योरेंस लोक अदालत में 9,500 मामले होंगे निष्पादित। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से देश का पहला इंश्योरेंस लोक अदालत 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगी। इसका ऑनलाइन उद्घाटन होगा, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रामना और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल होंगे। इस लोक अदालत में कोर्ट से जुड़े 500 मामले और प्रीलिटिगेशन के 9,000 से ज़्यादा मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इंश्योरेंस के करीब 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि सेटलमेंट होने की संभावना है। वीसी के जरिए प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एचसी मिश्र ने उक्त जानकारी दी है। एनएसएस पुरस्कार 2018-19 राष्ट्रपति ने झारखंड के 2 और बिहार के 1 पदाधिकारी को किया सम्मानित। राज्य एनएसएस और केंद्रीय खेलकूद युवा कार्य निदेशालय की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार
2018-19 कार्यक्रम आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवकों और कार्यक्रम पदाधिकारी को सम्मानित किया। इसमें कुल 3 स्वयंसेवक और कार्यक्रम पदाधिकारी को ऑनलाइन माध्यम से पुरस्कार दिया गया। लीवर पेन से तड़प रही गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल, झारखंड पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। झारखंड की राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मियों ने एक फर्ज निभाकर मानवता की एक मिसाल पेश की है। बस स्टैंड पर बस से उतरी एक गर्भवती महिला के अचानक तेज लेवर पेन होने लगा। दर्द से तड़प रही महिला को पुलिसकर्मियों ने तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ और ठीक हैं। झारखंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हेमलता मोहन को भारत के कोकिला सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। झारखंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हेमलता एस मोहन को भारत कोकिला डॉक्टर सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। नोएडा के फिल्म सिटी स्थित एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स के 6th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के अवसर पर संस्था के निदेशक डॉक्टर संदीप मारवार एवं ICMI के जनरल सेक्रेटरी अशोक त्यागी की ओर से ऑनलाइन कार्यक्रम में यह सम्मान दिया गया। इस सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मेहमानों ने ऑनलाइन योगदान दिया। डॉक्टर हेमलता DPS चास की चीफ मेंटर भी है। 40 से अधिक पत्थलगड़ी समर्थक मुख्य द्वारा में वापस लौटे, वापस लिए अपने मूल प्रमाण पत्र। खूंटी जिले के पत्थलगड़ी समर्थक गांव के ग्रामीणों की मुख्य धारा में वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को मुरहू प्रखंड के गुटुहातु पंचायत के अंतर्गत गुदुबुरु गांव केस के 40 से अधिक पत्थलगड़ी समर्थकों ने प्रशासन के पास जमा किए गए अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र आदि सरकारी प्रमाण पत्र वापस ले लिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार भगत ने बताया कि स्थानीय जन प्रतिनिधियों को मार्फत ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठाना चाहते हैं। साइबर अपराधियों की जब्त होगी संपत्ति, फर्जी पते पर सिम देने वालों पर भी दर्ज होगा मुकदमा। झारखंड पुलिस मुख्यालय से गुरुवार को प्रभारी DGP MB राव ने सभी जिलों के SSP, SP और रेंज DIG के साथ प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम व इसकी रोकथाम के मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने जिलों को आदेश दिया है कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। इसके लिए पुलिस व्यापक स्तर पर विभिन्न माध्यमों से आम जनता को साइबर अपराध व उसके रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके लिए पोस्टर, वार, पर्चा, टेलीविजन, समाचार पत्र व वेबिनार आदि माध्यम का सहारा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, चिन्हित साइबर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कानून सम्मत कार्रवाई करने का भी कार्रवाई होगी। जल्द दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, सरकार ने टेंडर खोला, बोली लगाने वाली सभी कंपनियां भारतीय। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बुधवार को अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण कार्य के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए के पहले टेंडर निवेश के लिए बोलियां रखी। गुजरात में बनने वाले इस 237 किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए बोली लगने वाली सभी कंपनियां भारतीय रही। NHRCL ने कहा कि यह गुजरात के वापी और बड़ोदरा के बीच बुलेट ट्रेन के 37% हिस्से को कवर करने वाली सबसे बड़े टेंडरों में से एक है। इस काम में इस कॉरिडोर पर 4 स्टेशनों का निर्माण भी शामिल है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा कंपनियों से जुड़े 3 बोलीदाताओं ने प्रतिस्पर्धा बोली में भाग लिया। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे को रॉबिन हुड बताता म्यूजिक वीडियो हुआ वायरल। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद बुधवार को उन्हें रॉबिन हुड बिहार के बताने वाले म्यूजिक वीडियो वायरल हुआ है। बिग बॉस के पूर्व प्रतिभागी दीपक ठाकुर ने इस गीत में पांडे को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने वाले बताया गया है। बतौर रिपोर्टर पांडे बक्सर ने विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या चुनाव लड़ना पाप है? क्या मैं BRS लेने के बाद चुनाव लड़ने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा? उन्होंने कहा, राजनीति में आने का अब मेरा मन हो गया है, स्थिति ऐसी बन गई है कि मुझे लगता है कि अब इसमें आ जाना चाहिए। खबर है असम से। असम में अफ्रीकी स्वाइन बुखार फैलने के बाद 12,000 सुअरों को मारने का आदेश जारी।
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अफ्रीकी स्वाइन बुखार से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में करीब 12,000 सुअरों को मारने का आदेश जारी किया है। साथ ही संबंधित विभाग को सुअर मालिकों को उचित मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। पशुपालन व पशु चिकित्सा विभाग के अनुसार वायरस के कारण अब तक 18,000 सुअरों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 संक्रमण के कारण वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक शेखर बसु का निधन। कोविड-19 के संक्रमण वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक व परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेखर सुमन का गुरुवार सुबह निधन हो गया। अधिकारियों के अनुसार 68 वर्षीय वैज्ञानिक को किडनी से संबंधित अन्य बीमारियां थी। देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए वर्ष 2014 में बसु को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए शोक का लहर। डीन जॉन्स के निधन पर इरफान पठान बोले, वह सुबह ठीक थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जॉन्स के निधन के बाद उनके साथी कमेंटेटर इरफान पठान ने ट्वीट किया, हमारे साथी कमेंटेटर डीन जॉन्स के निधन से स्तब्ध और दुखी हूँ। उन्होंने लिखा, वह सुबह ठीक थे, दो दिन पहले वीडियो कॉल कर उनके बेटे से मेरी बात हुई थी, सब कुछ ठीक था, सब कुछ सामान्य था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फोन कॉल से बम की खबर मिलने के बाद खाली कराया गया आईफिल टावर। बुधवार दोपहर आईफिल टावर में बम लगे होने के दावा करते हुए एक अज्ञात कॉल के आने के बाद इसे खाली कर दिया गया। कॉल के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर एक घेरा बनाया है। वहीं स्थानीय मीडिया के अनुसार इसने फिर डॉग और बम निरोधक दस्ते ने इलाके में छानबीन शुरू कर दी है। पीएम किसान योजना की 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिली छठी किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9 करोड़ 12 लाख किसानों को अब तक छठी किस्त मिल चुकी है। अगस्त से नवंबर के दौरान यह रकम ट्रांसफर की जानी है। फिलहाल 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अप्रैल से जुलाई के दौरान 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा किसानों को पांचवी किस्त मिली थी। ऐसे में स्पष्ट है कि इस बार कम से कम 10.5 करोड़ किसानों के खाते में स्कीम के छठी किस्त की रकम ट्रांसफर होगी। इस योजना के तहत साल में 2000 की 3 किस्त किसानों को 6000 रुपए का प्रावधान है। यदि आपके खाते में अब तक छठी किस्त की रकम नहीं आई है तो आप आसानी से स्टेटस जान सकते हैं। अटल पेंशन योजना के जरिए हर साल मिलेंगे 60,000 रुपए। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। असंगठित क्षेत्र के नौकरी पेशा लोगों को अक्सर पेंशन की टेंशन सताए रहती है। यह टेंशन अब और बढ़ जाती है जब उम्र बढ़ने लगती है और बुढ़ापा नजदीक आने लगता है। ऐसे वक्त में किसी भी शख्स के लिए जरूरी हो जाती है कि वे अपने लिए हर महीने किसी तरह पेंशन की व्यवस्था कर ले। सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे ही लोगों की जरूरत को अटल पेंशन योजना के जरिए पूरी करती है। अटल पेंशन योजना के तहत सरकार सालाना 60,000 रुपए की अधिकतम पेंशन ऑफर कर रही है। सबसे पहले बात करें इस पेंशन की बेसिक जानकारी, तो यह है कि एक ऐसी पेंशन स्कीम है जो कि सिर्फ असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए डिजाइन की गई है। कम आय वर्ग की समस्या को समझते हुए मोदी सरकार ने 2015 में इस योजना के लॉन्च किया था। इस योजना में 18 से 40 का कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है। मनोहर ज्योति योजना, सोलर पैनल के लिए सरकार दे रही है 15,000 तक की सब्सिडी, बिजली भी मिलेगी फ्री में। बिजली की बढ़ती खपत और संस्थाओं की कमी के चलते केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसी के चलते हरियाणा सरकार मनोहर ज्योति योजना चला रही है। इससे घर पर सोलर प्लांट लगवाने पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। इसमें एक बार निवेश करना होता है, बाद में आपको मिलने वाली बिजली फ्री दी जाती है, जिससे बिजली का बिल भी काफी कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर उपकरणों का इस्तेमाल के लिए सोलर पैनल उपयुक्त होगा। उड़ान क्षेत्र में शामिल है भागलपुर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने लोकसभा सदस्य को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री उड़ान योजना में भागलपुर शामिल है। ये जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह ने पूरी के लोकसभा सदस्य अजय कुमार मंडल को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। मंत्री ने बताया कि हवाई जहाज के उड़ान को लेकर जल्द ही सर्वे का कार्य शुरू होगा। रोजगार मुहैया कराने के मामले में हेमंत सरकार विफल, लुईस मरंडी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरंडी ने झारखंड की हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि राज्य सरकार बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने में पूरी तरह विफल है।
डॉक्टर मरांडी ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व की सरकार की नियोजन नीति को रद्द किए जाने से संबंधित हाल के फैसले पर कहा कि राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में नियोजन नीति पर मजबूती से समग्र तथ्यों को नहीं रखे जाने की वजह से राज्य के हाई स्कूल में नियुक्त शिक्षकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में की गई नियुक्ति पर खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार की मंशा नियोजन के नाम पर महज छलावा और राजनीतिक करने की रही है, जो उच्च न्यायालय के आदेश के बाद और स्पष्ट हो गई है। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। केंद्र रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है। बुधवार को उन्होंने 65 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली में एम्स में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेश अंगड़ी के निधन पर शोक जताया है। आज होगा रैपिड रेल के पहले लुक का अनावरण, अब तक देख रहे थे काल्पनिक फोटो। भारत की पहली RRTS ट्रेनों के डिजाइन और निर्माण का काम बॉम्बे डियर इंडिया को दिया गया है। इन सभी ट्रेनों का निर्माण मेक इन इंडिया के नीति के अंतर्गत 100% देश में ही होगा। ये ट्रेनें बॉम्बे डिजायर के सावली प्लांट गुजरात में निर्मित होगी। बॉम्बे ड्रीम ने RRTS ट्रेनों का डिजाइन अपनी हैदराबाद फैसिलिटी में किया है। घोटाले के एक साल बाद भी पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं PMC कोऑपरेटिव बैंक के डिपोजिटर। शुरू में RBI ने 1,000 रुपए निकालने का निर्देश दिया था, बाद में यह सीमा 1,00,000 रुपए तक की बढ़ाई गई थी, लेकिन अभी भी पूरा पैसा निकालने की अनुमति नहीं है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी PMC बैंक के घोटाले के शिकार होने के एक साल बाद भी इसके डिपोजिटर अपने बैंक के पैसे के लिए दर बदर भटक रहे हैं। एक साल पहले लोन से जुड़े बड़े घोटाले के सामने आने के बाद RBI ने बैंक से पैसे निकालने पर पाबंदी लगा दी थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।